हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ल्यूमिनियस 12 वोल्ट बैटरी के ऊपर। इन्वर्टर बैटरी है दोस्तों ये, जो मैंने ऑनलाइन से परचेस किया हुआ है फ्लिपकार्ट से। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि इन्वर्टर कनेक्शन कैसे होते हैं और ये बैटरी हमको कितना बैकअप देगा और इस बैटरी में हमें कितने लैंप या फिर कितने एलईडी जो भी है, कितना लोड हम इसके ऊपर दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इसकी पैकिंग की। तो पैकिंग बहुत ही घटिया फ्लिपकार्ट वालों ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। कम से कम पैकिंग तो इसकी अच्छी देनी चाहिए थी। देख सकते हैं आप, इसमें जो पैकिंग दिया हुआ था वो बहुत ही बेकार है। इसमें कुछ सेफ्टी नहीं है। इसके जो बॉक्स हैं बाहर के, वो सारे डैमेज हो गए, टूट गया। और इसका जो वाटर है इसके अंदर, बैटरी के अंदर, वो भी हमें पूरा गिरा हुआ मिला हुआ। ठीक है, तो बहुत ही बेकार तरीके से इन लोगों ने इसकी पैकिंग दी है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कम से कम फ्लिपकार्ट वालों से कि अच्छी पैकिंग दे, ताकि आपके जो भी ग्राहक हैं उनको अच्छा प्रोडक्ट मिले। अब हमें देखना ये है कि यह बैटरी हमें कंप्लीट तरीके से अच्छी मिली है या नहीं, या कहीं डैमेज होगी। इसका जो वाटर है बहुत सारा गिरा हुआ है, तो चेक करना पड़ेगा हमें। और इसके वोल्टेज भी हम बाद में आप लोगों को शो करवा देंगे कि के बराबर दे रहा है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ओपन करेंगे ये। मैंने इसका जो बाहर का कवर है इसको हटा दिया है, और बहुत सारा इस अपना प्लास्टिक की जो ये बैग है उसके अंदर बहुत सारा पानी इसमें गिरा हुआ। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। इसका प्लास्टिक का जो बैग है इसे हटा देते हैं साइड में और चेक करते हैं इसकी वोल्टेज। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें हमें वोल्टेज मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर हमें वोल्टेज नहीं मिला हो तो शायद डैमेज होगी बैटरी। अगर डैमेज होगी तो हमें इसे रिफंड या फिर रिटर्न करना पड़ेगा, वो प्रोसेस कर। तो चलिए दोस्तों चेक करवाते हैं आपको इसकी वोल्टेज। उसके लिए हमें मल्टीमीटर लगेगा। तो ये रहा हमारा मल्टीमीटर, इसे हम 20 पे सेट कर देते हैं और पॉजिटिव और निगेटिव में हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो 12 वोल्ट के आसपास हमें मिलना चाहिए। तो बैटरी एकदम कंप्लीट है दोस्तों, कोई भी डैमेज इसमें नहीं है, हमें वोल्टेज बराबर मिल रहा है। हो सकता है डिलीवरी के टाइम में बैटरी इधर उधर हिलने के कारण इसका जो वाटर है वो गिर गया होगा, तो चलेगा। इसमें जो भी वाटर लेवल कम होगा उसे हम बाद में रिफिल कर लेंगे। तो इसके जो प्लास्टिक वाली कवर इन लोगों ने दिया हुआ है उसे हम साइड में रख के बैटरी को लेके चलते हैं अंदर, और इसका कनेक्शन आप लोगों को बताएंगे किस तरीके का रहेगा इन्वर्टर के साथ में, किस तरीके का इसका कनेक्शन होगा और कितना बैकअप ये हमें देता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अंदर। इससे पहले थोड़ा सा मैं इसमें जो वाटर इसमें ड्रॉप हुआ है उसको साफ करके मैं अंदर ले चलता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बैटरी मैंने सफाई करके पूरी कंप्लीट कर दी है। अभी इसे ले चलते हैं उसकी लोकेशन पे जहाँ पे मुझे बैटरी सेट करना है। तो दोस्तों इसको ले आए हम अपनी लोकेशन पर जहां पे हमको इसको सेट करना है। ल्यूमिनियस का 150 एच का जो बैटरी है लेकर आए हैं, और इसमें दोस्तों अभी हम वाटर लेवल इंडिकेटर लगाएंगे। ठीक है, उसको भी हम बता देंगे आपको कि किस तरीके से इसको लगाना है। देख सकते हैं दोस्तों वाटर लेवल इंडिकेटर इस जगह में लगेगा आपको, जो दिया हुआ है 6 पीस इसमें आया हुआ मेरे को, तो 6 पीस इसमें लगेंगे। ठीक है, वाटर इंडिकेटर लगाना भी जरूरी है दोस्तों, ताकि आप लोगों को इससे मालूम पड़ेगा कि हमारा वाटर लेवल कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ल्यूमिनियस प्रो 150H ट्यूबलर बैटरी है। 48 मंथ का वारंटी इसमें मिला हुआ है, जो सबसे अच्छी बात है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे दोस्तों, मुझे एक वारंटी कार्ड इसके साथ मिला हुआ है, जो ये रहा वारंटी कार्ड, ये रहा दोस्तों 18000 प्रो के नाम से इन लोगों ने टिक किया हुआ है, और 48 मंथ की इसमें वारंटी है, जो सेम अपने हम लोगों को बैटरी में भी देखने के लिए मिल जाती है। आप देख पा रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है 48 मंथ वारंटी और 18000 प्रो करके। ठीक है, तो चलिए अभी अपना वारंटी कार्ड को आप लोग संभाल करके रखिएगा, ताकि आप लोगों को बाद में काम लगेगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये है दोस्तों 6 ढक्कन इसके
जो है आपको रिमूव करना होगा, और इसमें आप लोगों को जो वाटर लेवल इंडिकेटर दिया हुआ है दोस्तों, ये इसको आपको फिक्स करना होगा, ठीक है। तो इसको फिक्स करने के लिए कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, यहां से ये ढक्कन रिमूव करके इसको फिक्स करना है, और जो वाटर लेवल है दोस्तों उसको आपको इसका जो ग्रीन, इसमें दो लाइन बनाई हुई है, एक ग्रीन और एक रेड, ठीक है। तो रेड आप लोग को तो इतना समझ में आना चाहिए कि रेड मतलब पूरा हमारा वाटर लेवल पूरा इंड हो चुका है, ठीक है। तो ये जो वाटर लेवल है इसका ग्रीन लाइन में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इतना ये ग्रीन लाइन के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए पूरा, ज्यादा ऊपर भी जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसका लेवल तक होना चाहिए, इसका लेवल के बीच में भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब रेड में आ जाएगा तो रेड से नीचे चला जाएगा, तो मतलब हमारा वाटर इसमें पूरा खत्म हो गया, यानी कि हमें इसमें वाटर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम इसको अभी फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके फिक्स करने के लिए दोस्तों इसको कुछ नहीं करना, ये वाले जो कैप हैं इसके, इसको हमको इजीली रिमूव करना है, और इसमें जो ये वाटर लेवल इंडिकेटर हमको दिया हुआ है कुछ इस तरीके से हमने हम लोगों को डालना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को फिक्स करना है, ठीक है। तो फटाफट से सबको हम फिक्स कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हम लोगों को फिक्स कर देना है, ठीक है। अभी जो इसके ये बैटरी का जो वाटर लेवल है वो देखिए ग्रीन में नहीं है, हम लोगों को इसका जो ग्रीन वाला जो लाइन दिया हुआ है वहां तक हम लोगों को रखना है। ये क्यों नहीं है, वहां से जब ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा डिलीवरी करने से पहले या रास्ते में जो भी है, इसका बहुत सारा वाटर हमको गिरा हुआ मिला था, इसकी बॉक्स के पैकिंग में आप लोगों ने देख लिया होगा दोस्तों किस तरीके का इसका पैकिंग आया था, और पूरा वाटर जो इसका गिर गया है, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, बैटरी डैमेज तो नहीं है, बैटरी हमें प्रॉपर ठीक तरीके से मिली हुई है, तो इसमें हम अभी जो बैटरी शॉप है वहां से वाटर लेके इसमें हम फिल कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम दूसरा कैप उतारते हैं इसका, और इसका जो वाटर लेवल है दोस्तों ये देखिए लगा देते हैं फटाफट से, ठीक है। देखिए दोस्तों हमारे 6 के 6 इंडिकेटर हमारे लग चुके हैं, और अभी आप देख पा रहे होंगे जो हमारा वाटर लेवल है वो बहुत कम भी नहीं है, ठीक ही है, इसमें से थोड़ा बहुत हमको वाटर लाके इसमें फिल करना होगा, ठीक है। तो उसको हम शॉप से बैटरी शॉप से लेके इसमें फिल कर देंगे, ज्यादा महंगा तो नहीं मिलता तो इसमें फिल कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां तक का काम हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों, अभी हम चलते हैं इसके बैटरी के कनेक्शन के ऊपर। तो बैटरी का कनेक्शन इसमें पॉजिटिव निगेटिव दिया हुआ रहता है, वो सेम आपको अपना इन्वर्टर में भी मिल जाएगा, एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर। ब्लैक वायर को आपको निगेटिव में कनेक्शन करना होगा, और जो रेड वाला रहेगा उसको आप पॉजिटिव में कनेक्शन कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ पॉजिटिव और निगेटिव, ये रहा दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो प्लस वाला सिंबल जो इसमें बना हुआ है ये वाला पॉजिटिव है, और यहां से इस तरफ आपको एक माइनस वाला सिंबल दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा निगेटिव, यानी कि इसमें हम लोग ब्लैक वाला वायर को कनेक्ट करना होगा और इसमें हम लोगों को रेड वाला वायर कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसको हमको भी पूरा कर लेते हैं। इसमें हम लोगों को दो नट दिए हुए हैं इस तरीके के, तो इसमें हमको इन्वर्टर के कनेक्शन करने होंगे, ठीक है। तो एक तो ये रहा और दूसरा ये वाला है, ठीक है। तो इसमें हम रेड वाला वायर कनेक्ट करने वाले हैं, तो इसको कर लेते हैं पहले इन्वर्टर का जो हमारा रेड वाला वायर वो ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अभी इन्वर्टर के पास। तो ये रहा हमारा इन्वर्टर, ये भी ल्यूमिनस का है, प्योर साइन इन्वर्टर है दोस्तों, इसका देख सकते हैं आप लोग, इसमें LCD डिस्प्ले आपको मिलेगी 1100 के नाम से, इसको मॉडल नंबर जो इसका है, ठीक है। तो चलिए इसके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के लिए दोस्तों आप लोगों को पीछे बैक साइड में इसके दो वायर दिए हुए हैं, एक रेड और एक ब्लैक। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में और निगेटिव वाला निगेटिव में हम लोगों को फिक्स करना होगा, ठीक है। और ये रहा आपका लाइट, अपना जो 220 वोल्ट में आप लोगों को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये भी इससे आपको बैटरी चार्ज होगा दोस्तों, ठीक है।
और इसके कनेक्शन कैसे होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा इस वीडियो में। तो बने रहें दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है दोस्तों तो मेरा वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो तो जरूर देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, प्लीज लाइक कर दिया करो दोस्तों, ठीक है। और चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहे वो वाले नट जिसको हमें बैटरी के कनेक्शन करने होंगे। तो इसमें दो तीन वार्सल दिए हुए, आप लोगों को एक वार्सल इस तरीके के रखने का और एक इस तरफ से आएगा, ठीक है। तो ये जो माइनस वाला वायर रहेगा दोस्तों, ये वाला वायर ब्लैक वाला जो माइनस वाला है, तो इसको इस तरीके से डाल के फिर इसमें एक कैप मिली रहती है दोस्तों हम लोगों को निगेटिव पॉजिटिव वाली। तो ये वाला वायर यहां से हमको अंदर डालना होगा इस तरीके से, इस तरीके से डाल के इसको फिक्स कर दीजिएगा। और जो इसके चाबी जो होंगी पाना चाबी, 13 नंबर का बोल्ट है दोस्तों, 13 नंबर वाली चाबी पाना आप इस तरीके से लेके इसको फिक्स कर देना कुछ इस तरीके से। और पूरा टाइट कर दीजिएगा दोस्तों कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी जो इसका कवर है इसको हम फिक्स कर देंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से यह हमारा निगेटिव कनेक्शन हो गया। इसी तरीके से हम पॉजिटिव वाला कनेक्शन होगा, जो हमारा पॉजिटिव वाला उसको भी हम कर देते हैं, ठीक है। इसमें भी दो वार्सल हमको मिले हुए हैं इसके अंदर, तो ये वाला हिस्सा हमारा इस तरीके से लगेगा देखिए। और जो इसका रेड वाला कवर दिया है दोस्तों, तो ये वाला वायर यहां से अंदर डाल के इसको इस तरीके से डालना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो फटाफट से इसके भी कर देते हैं कनेक्शन। ये रहे दोस्तों इसका कनेक्शन, और ये थोड़ा सा स्पार्क करेगा क्योंकि हमारा इन्वर्टर अभी इसमें कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो ग्रीस है उसको इस तरफ से निकाल दीजिएगा और इसी तरीके से इसको भी हम फिक्स कर देंगे। 13 नंबर का बोल्ट सेम है ये भी, तो इसको भी हम फिक्स कर देंगे। कंप्लीट हो गया दोस्तों। अभी जो इसका कैप है इसको भी हम फिक्स कर देंगे, ठीक है। अभी ये हमारा पॉजिटिव कनेक्शन और ये वाला निगेटिव कनेक्शन, ठीक है। हमारा यहां तक का बैटरी का जो काम है दोस्तों वो तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी आप लोगों को लेके चलते हैं हम इन्वर्टर का डिस्प्ले में। तो ये रहा दोस्तों हमारा इन्वर्टर का जो ल्यूमिनस का इन्वर्टर है प्योर साइन, इसमें देख सकते हैं आप LCD डिस्प्ले लगी हुई है। 9 घंटा 59 मिनट इसमें टाइम शो हो रहा है। इसका एक स्विच दिया हुआ है दोस्तों स्टार्ट करने के लिए, तो इसको अगर हम स्विच स्टार्ट करते हैं तो इसमें एक हल्की सी छोटी LED ब्लिंग हो जाती है और यहाँ पर 00 रीडिंग हमको शो हो रही है। तो अभी इसमें कुछ लोड नहीं है, तो ये हम लोगों को 5 या 10 सेकंड में बता देगा कि कितना घंटा हमारा बैटरी चलने वाला है और कितना चार्ज यह है वो भी यहाँ पे। तो देखते हैं कितना घंटे का हमको ये बैकअप देने वाला है, यहाँ पे दिखाएगा। दोस्तों लोड डालने से पहले इसको मैं थोड़ा सा चार्जिंग में डालूंगा, और चार्जिंग में डालने के लिए हम इसका जो इन्वर्टर का प्लग है उसे हम 240 वोल्ट पर डायरेक्ट लगाने वाले हैं। और 240 वोल्ट पे जब हम इसको लगाते हैं तो इस कितने टाइम में चार्जिंग हो जाएगा ये डिस्प्ले में आप लोगों को दिखा देगा, ठीक है। तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसका जो प्लग है मैंने लगा दिया है यहाँ पे 240 वोल्ट, और इसका स्विच अगर ऑन करते हैं तो ये चार्जिंग होना स्टार्ट हुआ है, और ये आपको चार्जिंग टाइम भी दिखा देगा दोस्तों कि कितने टाइम में हमारा बैटरी पूरा कंप्लीट चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ट्यूबलर बैटरी है दोस्तों, मैंने इन्वर्टर को इको मोड में रखा हुआ है। इसमें इन्वर्टर में दो ऑप्शन, दो सिस्टम है इसमें, एक इको मोड है और एक UPS मोड है। तो अगर आप UPS मोड में रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, मैंने इको मोड में रखा। इको मोड में रखने से थोड़ा लॉन्ग बैकअप मिलता है, इसलिए मैंने इको मोड में रखा हुआ, ठीक। तो अभी बैटरी चार्ज हो रही है,
देखिए दोस्तों, 1 घंटा 16 मिनट का इसने टाइम दिखा दिया, तो 1 घंटा 16 मिनट आप लोगों को इसको चार्ज में रखना होगा। रखना होगा मीन्स ये अपना आप ही चार्ज हो जाएगा, बट 1 घंटा और 16 मिनट में आप लोगों को चार्ज हो जाएगा। पूरा बैटरी इसका जो कंप्लीट है उसको 1.25 घंटा लगेगा चार्ज होने में, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, और इसमें जो बैकअप मिलने वाला है आपको दो सीलिंग फैन और 4 LED लैंप और 1 टेलीविजन और 1 रेफ्रिजरेटर, तो आपको इसमें बैकअप मिलेगा 3 घंटे का, ठीक है दोस्तों। अगर ये कंटिन्यू आप रनिंग में रखते हो तो 3 घंटे का आपको बैकअप मिलने वाला है इसमें। तो चलिए दोस्तों, इसको अभी मैं थोड़ा सा लोड देकर चेक करूंगा। तो ये रहा दोस्तों MCP, मैं इसको डाउन कर देता हूं और टोटल लोड पूरा घर का लोड मैं इसके ऊपर डाल के चेक करूंगा कि कितना लोड यह लेता है, ओवरलोड बैटरी शो करवाता है या नहीं, ठीक है। सॉरी, इन्वर्टर ओवरलोड बताता है कि नहीं, ठीक है। तो इसको अभी हम डाउन करेंगे। तो देख सकते हैं मैंने पूरा MCP डाउन कर दिया है, और उसके बाद मैं यहां से डायरेक्ट लोड अपना किसी भी बोर्ड में दे दूंगा। ये रहा हमारा इन्वर्टर सिस्टम जो अभी 9 घंटा, और जो इसका इन्वर्टर का जो ये वायर है दोस्तों, दिखा देता हूँ, ये जो इन्वर्टर का वायर है इसको हम हटा देते हैं साइड में। ये मैंने हटा दिया इसको साइड में, पूरा साइड कर दिया, और डायरेक्ट लोड यहां से मैंने डायरेक्ट लोड अपना बोर्ड में दे दिया, ठीक है। ये रहा, तो अभी हम चेक करेंगे कि यह पूरा घर का लोड में बैटरी ओवरलोड दिखाता है कि नहीं, ठीक है। तो ये मैंने पूरा घर का लोड दे दिया, तो पूरा घर का लोड में दोस्तों ये 6 घंटा चलने वाला है, जिसमें से मेरे 3 सीलिंग फैन अभी वर्किंग में है और 1 रेफ्रिजरेटर वर्किंग में है, और मिनिमम 1 से 2 LED लैंप हमारे वर्किंग में है जो 9 वाट के हैं, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा आप लोगों को चेक करवा दे रहा हूँ। देखिए MCP वहाँ पे डाउन है, और 1 फैन हमारा ये चल रहा है, दूसरा वाला फैन दोस्तों ये चल रहा है हमारा, और 1 LED लैंप यहाँ पे जल। देखिए दोस्तों, किचन पे 1 9 वाट का LED जल रहा है, और 1 RO हमारा वर्किंग में है जो भी इन्वर्टर पर ही है। हमारा रेफ्रिजरेटर देखते हैं इसको वर्किंग में है कि नहीं, तो रेफ्रिजरेटर भी हमारा वर्किंग में है, ये भी वर्क कर रहा है, ठीक है। काफी अच्छा बैकअप हमको मिलने वाला दोस्तों इस बैटरी से। आप चाहें तो इसमें दूसरा 2 बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, मगर मेरे लिए 1 ही बैटरी काफी है, हमारा घर का जो लोड उठा सके इसके लिए हमारा 1 ही बैटरी काफी है। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों, मैंने 1 फैन और 2 LED मैंने बंद किया, तो इसमें जो 6 घंटा आपको दिखा रहा था वह बढ़ चुका है, यानी कि 2 घंटा 15 मिनट का बैकअप हमको और मिलेगा इसमें से। मैंने 1 फैन और 2 LED इसमें बंद किया हुआ, ठीक है। रेफ्रिजरेटर हमारा वर्क में है, RO हमारा वर्क में है, और 1 सीलिंग फैन, 3 आइटम हमारे वर्किंग में है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, या वीडियो में आप लोगों को जो भी गलतियां लगती हैं दोस्तों, तो वो मुझे आप लोग कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।